एक्चुअली हर ईयर ऑन ईयर हमको ऐसे लगता है कभी कभी कि हम क्या नया ऐड करें. दिस ईयर जो हमने फीमेल्स को हमने इसका पार्ट किया, वी हैव रियलाइज दैट फीमेल्स के साथ जो जोश आता है वो चार साल में हमें नहीं मिला. देर इज किसी ने हमें कहा कि अब आप हमारे घर का पार्ट बन गए हो. सो फीमेल्स कम इन, द किड्स कम इन, द मेन्स कम इन. अब ये एक्चुअली इट्स मोर लाइक एवरी कोई ना कोई किसी ना किसी फैमिली का जो पिंपरी पुणे में रहते हैं उससे इन्वॉल्व है. सो आई थिंक इट बिकम लाइक अ बिग सेलिब्रेशन. हर कोई रुकता है इसके लिए एंड एवरी वन एंजॉयज इट लाइक देयर ओन इवेंट. हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, सब बहुत ही अच्छी तरह से खुद ही आके हमारे साथ जुड़ जाते हैं. हमारे मेन्स के 16 टीम है लाइक लास्ट ईयर और वुमेन के 6 टीम्स है. टोटल मिला के हम लोग मेन्स के लिए 50 मैचेस के करीब खेलेंगे और वुमेन्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 मैचेस के करीब खेलेंगे. एग्जैक्ट नंबर मेरे पास हाथ में नहीं है बट राउंड रॉबिन मेथड होगा. सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स होंगे. मैचेस विल बी फॉर 9 ओवर्स फॉर मेन्स एंड 6 ओवर्स फॉर वुमेन. उसमें हमारे पास प्लेयर्स हैं जो बहुत सारे जगहों से आए हैं, जैसे बैंगलोर से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग हमारे पास सोलापुर से आए हैं. जो कि ये 25 दिन की टूर्नामेंट है, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी टूर्नामेंट है. उसने कमिटमेंट उन्होंने लिया और यहाँ पर रहेंगे. आई थिंक ईयर ऑन ईयर समर लाइक केदार जाधव जी आना या लास्ट ईयर तनुज इनसाइड एज से आना, इट जस्ट गिव्स किड्स दैट मोटिवेशन टू बिकम ग्रेट. जब वो देखते हैं कि किसी सक्सेसफुल आदमी को इतना अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, सो उनको भी एक उत्साह मिलता है कि हमको भी आगे चल के ऐसा कुछ बनना. ट्रॉफी लास्ट ईयर और इस साल की ट्रॉफी सेम है, उससे पहले अलग थी. अब हमने ट्रॉफी स्टैंडर्ड कर दिया जिसमें एक इट्स अ ग्लास, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 16 केजीज की एक ट्रॉफी है मेंस की और वुमेन्स की अराउंड 8 केजीज की ट्रॉफी है. द ट्रॉफी इज़ वेरी ब्यूटीफुल और बॉम्बे से हमारे एक सिलेक्टेड डिजाइनर है ट्रॉफी के, वो हमारे लिए बनाते हैं. जैसे कि हमने कहा वी डोंट गिव मनी, हम पैसे किसको नहीं देते हैं, ये सोशल कॉज है. तो एटलीस्ट जो ट्रॉफी हो वो ऐसी हो, ऐसे लगना चाहिए कि हमें पैसे की जरूरत नहीं, ये ट्रॉफी सिर्फ मेरे घर पर होनी चाहिए. तो हमने इस साल जैसे 3 संस्था सिलेक्शन की है जिसमें हमने डोनेशन की है. जितनी डोनेशन करते हैं हमें लगता है हम कम ही करते हैं, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा करें. एक तो आप सब जानते हैं सिंधुताई जी जो पद्मश्री अवार्ड विनर हैं, अभी हमारे साथ नहीं रहे पर उनकी डॉटर ममता जी है जो ऑर्फिन बच्चों के लिए बहुत सारे एजुकेशन के लिए प्रयत्न करते हैं. वी हैव गिवन देम 1.5 लाख. एक हमारा ब्लाइंड फीमेल्स के लिए स्कूल है आलंदी में, 30 वर्षों से है. हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमें ये पता नहीं था. हमको जब भी पता चला हमें लगा कि हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये इतना अच्छा काम हो रहा है 30 वर्षों से. सो वी हैव गिवन देम 50,000. बहुत इनिशियली छोटी सी रकम है, नेक्स्ट ईयर वी विल इंक्रीज इट. नेक्स्ट ईयर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करेंगे जो थैलेसीमिया पे काम कर रही है. सो हम देख रहे हैं कि थैलेसीमिया बहुत बढ़ रहा है. एक छोटी सी अवेयरनेस प्रोग्राम हमने उसकी इस साल से शुरू की है और एक हमने फिर से एक मशीन डोनेट की है डायलिसिस की, ANP कॉरपोरेशन को, जो फ्री में डायलिसिस करते हैं. सो जिससे भी डायलिसिस की ज़रूरत हो प्लीज़ कालेवाड़ी में उनका सेंटर विजिट करें. उसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो भी हमारे कम्युनिटी में जिन्होंने स्टार्टअप्स चालू किए, नए बिजनेसेस, उनको हमने फ्री में स्पॉन्सरशिप दी है. तो जिसका भी एक वर्ष हुआ है सिर्फ बिजनेस चालू करके और उनको कोई बैकग्राउंड नहीं है उस बिजनेस का, तो उनसे हम कोई पैसे स्पॉन्सरशिप के भी नहीं लेते हैं. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प जितना भी हमसे हो सकता है सब साथ में आके. और क्या चाहिए, खेल भी हो जाता है, इन्जॉयमेंट भी, और हमारा नेटवर्क भी हो जाता है और हम लोग की डोनेशन भी हो जाती है. और आप लोग थैंक यू वेरी मच, आप हमें बहुत हेल्प करते. खूब चांगलं वातावरण आहे. ऑर्गनायझर्सला व्हेरी बिग थँक यू की त्यांनी एवढी चांगली टूर्नामेंट ऑर्गनाईज केली आहे. इट इज ऑलवेज नाईस टू यु नो गेट पीपल टुगेदर, प्ले अ स्पोर्ट. इट रिक्वायर्स हेल्दी बॉडी, इट एंगेजेस द सोशल ॲक्टिव्हिटीज. सो आय थिंक इथ ओवरऑल क्रिकेट हॅज बीन ऑलवेज स्पोर्ट वेअर ऑल पीपल कम टुगेदर, दे एन्जॉय, अँड दॅट इज वॉट इंडिया शूड नीड टू डू, टू स्टे टुगेदर अँड एन्जॉय एव्हरी डे. जसं आपण बघतोय की या जनरेशनमध्ये आपण म्हणतो की यु नो दोघंही एकत्र चाललेले आहेत, यु नो फिमेल आणि मेल. सो इट इज ऑब्विसली खूप चांगली गोष्ट आहे की स्त्रिया पण तेवढ्याच कॉम्पिटिटिव्हनेसने स्पोर्ट खेळतायत, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यांच्यासाठी पण खूप चांगलं आहे, ते मेंटली त्यांना फ्रेश होण्यासाठी, फिजिकली फिट राहण्यासाठी. अँड स्पोर्ट असा आहे जो तुम्हाला मेंटली फिजिकली चॅलेंज करतो, सेम टाईम तुम्हाला नवीन गोष्टी शिकवतो की एकत्र येऊन एका दुसऱ्याचे कमीपणा, स्ट्रेंथ हे एकत्र करून आपण पुढे कसं जायचं, जिंकायचं कसं. सो इट्स अ व्हेरी गुड टीम बॉन्डिंग ॲक्टिव्हिटी आहे. ओव्हरऑल आय थिंक मेहनत करणं आणि नॉट जस्ट क्रिकेट पण कुठलाही स्पोर्ट्स खेळणं खूप गरजेचं आहे. आपण बघितलं की 2-3 वर्षापूर्वी जेव्हा एक मोठा आजार अख्खा जगामध्ये होता, तेव्हा द ओनली पीपल हू सर्वाइव्ह, जे चांगले फिट होते, ज्यांना काही आजार नव्हता, जे तंदुरुस्त होते. सो इट इज ऑलवेज गुड टू एन्जॉय लाईफ, बट बिफोर दॅट यू हॅव टू बी फिट अँड हेल्दी टू बी एबल टू एन्जॉय
एवरीथिंग यू वॉन्ट. माझ्या शेड्यूलला मी आत्ता लेट होतोय कारण तुम्ही लोक खूप प्रश्न विचारताय. माझी उद्या मॅच आहे आणि शेड्यूल इट इज सिम्पल. रोज आम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागते मॅचच्या आधी. इट इज इम्पॉर्टंट टू स्लीप अर्ली, ईट राईट, चांगल्या गोष्टी खाता येतात, मन वाटेल ते खाता येत नाही, हेल्दीच फूड खावं लागतं, रोज एक्सरसाइज करावं लागतं. आणि वर्षभर आम्ही हे करत राहतो पण मला वाटतं की ह्यात अवघड गोष्ट कुठली नाही, कारण दिस इज हे आमचं पॅशन आहे आणि आम्हाला ते पॅशन एन्जॉय करायला मिळतं. त्याच्यासाठी आम्ही महाराष्ट्रासाठी देशासाठी खेळतो, त्यात आम्हाला चांगले पैसेसुद्धा मिळतात. सो आय थिंक खूप चांगली नशीबवान आहेत ती लोकं ज्यांना त्यांचा पॅशन एन्जॉय करायला मिळतं आणि त्यातनं त्यांना यु नो दे मेक अ लाईफ आउट ऑफ इट.